नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रितेश शर्मा आपसे एक निवेदन करने के लिए आज आया हूं। हम डेली जो हमारे समाज में हम बात सुनते आ रहे हैं या एज अ पेशेंट हमारे पास लोग आते हैं, तो मैं ये देख रहा हूं भी लोग कोरोना टेस्टिंग करवाने में हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपका ये वहम थोड़ा सा दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जो हमारे मन में एक वहम आ गया है कि हम अगर टेस्टिंग कराएंगे तो शायद सिविल हॉस्पिटल हमें हमारे पास रख लेगा या सिविल अस्पताल में हमें बंदी बना के रख लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है या हल्का बहुत बुखार है तो आपको सरकार ने होम क्वारंटाइन का एक रास्ता दे दिया है कि आप अपने घर पे रहें, घर से बाहर ना जाएं, और सबके घर पे जो है आपको दवाई भी दी जाएगी और जो सब घर के आपके मेंबर्स हैं सबकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर हम ये सोचे भी हम टेस्टिंग ना करवाएंगे तो दोस्तों हम अपने गली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए सबसे बड़े घातक सिद्ध होंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क, और अगर आपको कोई जरूरी कार्य नहीं है तो आप मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं, मेरे बच्चों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप घर से बाहर ना जाएं। अगर हम ऐसा अपने डिसिप्लिन को अपनी एक जीवन की कार्यशैली में ले लेंगे तो दोस्तों हम इस कोरोना महामारी को रोकने में सक्षम होंगे। और सरकार का जो प्रयत्न है कि हम कोरोना महामारी के जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे ट्रेस करें, कैसे उन पेशेंट्स को लिमिट आउट करें, उसके लिए दोस्तों टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और सरकार आज के समय डेली के 4.5 लाख टेस्ट पूरे देश में कर रही है और दिनों दिन ये टेस्टों का नंबर डेली बढ़ रहा है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि डेली लगभग 50 से 52 हजार पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए गहम चिंता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब एक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपना एक अहम एक रोल समझते हुए, हम सब लोग जिसको कोई भी दिक्कत आए या कोई कॉन्टैक्ट पॉजिटिव, अगर हमारे कोई कॉन्टैक्ट में है ऐसा पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हो, हमारा मित्र हो, या हमें ऐसा शक हो कि हम जहां गए थे वहां कोई पॉजिटिव पेशेंट था, किसी को खांसी थी, किसी को सांस की दिक्कत थी, तो दोस्तों हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और यही निवेदन है आप सब लोगों को, अपने जो यार मित्र हैं, अपने समाज में भी ये सब लोग हम सबको ज्ञान दें और सबको टेस्टिंग के लिए प्रेरित करें। जय हिंद।